दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। तो चले देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए राहत भरी खबर है, कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डिमांड आने पर तुरंत करवाएं आपूर्ति ताकि किसानों को राहत मिल सके। आज मंत्रालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में DAP खाद उर्वरक की नियमित रूप से समीक्षा करें और किसानों की तरफ से आने वाली मांग को तुरंत पूरा किया जाए ताकि खरीफ सीजन में किसानों को रासायनिक खाद की दिक्कत न हो। कृषि मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जिलेवार खाद उर्वरक की नियमित रूप से समीक्षा की जाए और डिमांड आने पर तुरंत रासायनिक खाद की खेप भिजवाए ताकि किसान अपने खेत में रासायनिक खाद फेंक सके। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जैसे ही सोसाइटियों में रेक अर्थात रासायनिक खाद की बोरियां पहुंचती है तो अधिकारियों एवं लोकल मीडिया के माध्यम से किसानों तक सूचना पहुंचाई जाए। विगत सप्ताह मूंग उड़द खरीदी के दौरान पोर्टल बंद होने पर जिन किसानों को मैसेज पहुंच गए थे उन्हें पुनः मैसेज भेजा जाए ताकि किसान अपनी मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर बेच सकें। कांग्रेस नेता कमलनाथ की मांग है, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का लक्ष्य कम है, केंद्र बढ़ाए कोटा। मध्य प्रदेश में इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन 12 लाख टन से ज़्यादा हुआ है। 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने 8,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र का पंजीयन कराया है। सरकार ने मूंग का दाना दाना खरीदने की घोषणा की है पर किसान उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार यदि कोटा बढ़ा देती है मूंग खरीदी का तो किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अभी तक केंद्र सरकार ने 2,47,000 टन मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मांग की है कि किसान हित में खरीद का लक्ष्य बढ़ाया जाए जिससे किसानों को राहत मिल सके। तो बहुत अच्छी बात है, किसानों के हित में कमलनाथ जी भी काम कर रहे हैं। अतिवर्षा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। यदि आपका मकान ध्वस्त हो गया हो, पशु बह गए हों, आमजन की हानि हुई हो, कृषि क्षेत्र में भी यदि आपका नुकसान हुआ हो तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह घोषणा। अरे मुसीबत आई है तो कोई मर थोड़ी जाए, काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार हर एक नुकसान पे पूरी चिंता आपके करेगी। कलेक्टर यहाँ पे हैं, सर्वे का काम तत्काल प्रारंभ हो जाए और सर्वे करके जितनी चीजें दी जानी है, जितनी राहत की राशि दी जानी है और बाकी व्यवस्थाएं की जानी है वो सब करेंगे। और जब तक घर में नहीं पहुंच जाते तो भोजन की, पानी की, बाकी सारी व्यवस्था भी की जाएगी। और घर में भी अगर बनाने लायक स्थिति नहीं है तो अभी भोजन की व्यवस्था करेंगे, वो भी निःशुल्क की जाएगी। आपको कोई तकलीफ और कोई परेशानी हम नहीं रहने देंगे। मैं यही कहने आपके बीच आया था, हमारे मंत्री बहन जी, हमारे बाकी सारे नेता बाकी चिंता करेंगे। अब कोई जब आप ज्ञापन हो तो मुझे दे दो, ज्ञापन ज्ञापन मुझे दे दो। बर्तन भाड़े, उनको भी बोलो, कपड़े लत्ते, अनाज उठा दो भाई, ये भरा हुआ अपना अनाज, ये पूरे गांव के अनाज के ही हाल, अंकुरित हो गया, सड़ गया। अब इसके लिए हम दो काम करेंगे। नंबर एक, इसके नुकसान का आकलन करके भी आपको राहत की राशि दी जाएगी और तत्काल भोजन के लिए आधा आधा क्विंटल राशन हर परिवार को दिया जाएगा ताकि तत्काल भोजन का काम चल सके। कपड़े लत्ते और बर्तन भाड़े का भी करवाई, उसकी भी राहत की राशि आपको देंगे। और तीसरी बात, और फसल अगर हमारी नष्ट हुई है तो उसके भी नुकसान का आकलन करके उसकी राहत राशि अलग दी जाएगी।
वो राहत की राशि भी देंगे। अगर कुआं और बाकी कोई चीज नष्ट हुआ हो, कुआं हो नलकूप हो, उसके भी 25,000 रुपया दिए जाएंगे। और मवेशी अगर बह गई हो, गाय भैंस बैल 30,000 रुपया दिए जाएंगे एक मवेशी के। और उससे छोटे अगर बछड़ा बछड़ी हुए उसके भी 10,000 रुपया दिए जाएंगे। बकरा बकरी के भी देंगे, आप चिंता मत करना। और मुर्गा मुर्गी भी बह गए हो तो 60 रुपया उनकी मुर्गा मुर्गी उसके भी देंगे। अचानक आसमान से आफत आई और भयंकर वर्षा के कारण जो बाढ़ आई उससे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी भी, बहन इमरती जी भी हैं, भाई कौशल जी भी हैं। मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ, मुसीबत और तरसानी है लेकिन आंखों में आंसू मत लाना, इस मुसीबत के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। कोई पहली चीज जो अपन करने वाले, मैं जानता हूँ आपकी तकलीफ जानता हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंखों में आंसू की जरूरत नहीं। जिनके घर गए हैं, घर बह गए हैं, घर गिर गए हैं, उनके मकान में बनवाए जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर्वे के बाद मैं जानता हूं कि थोड़े दिन मुसीबत में रहेंगे, मकान एकदम नहीं बन सकते, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए राशि दी जाती है, इसको ही मैं लूंगा चिंता मत। अभी मैं हाथ में लूंगा चिंता मत। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते हैं, वैसे मकान बनवाने के लिए आपको राशि दी जाएगी। ठीक है, महाविनाशकारी बाढ़ में कई परिवारों को तबाह कर दिया और आज मैं इसके सड़क मार्ग से आपसे मिलने आया हूं और ये कहने आया हूं, नुकसान हुआ है, हम बर्बाद हुए, लेकिन अब फिर से आपकी व्यवस्था बनाने की और घर बसाने की जिम्मेदारी मेरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। हमने फैसला किया है जिनके घर गिर गए हैं, टूट गए हैं, उनके लगभग 1,20,000 रुपए की लागत से उनके घर फिर से बनवाए जाएंगे। सब गरीबों घर के अंदर रखा सामान, अनाज, कपड़े, बर्तन, भांडे, अगर वो भी आपके, वो तो डूब गए, बह गए, सड़ गए, उसका भी सर्वे करके उसकी भी राहत की राशि दी जाएगी। इसके अलावा फसलों का जिनका नुकसान हुआ है किसान भाई, सर्वे करके उसकी राहत की राशि भी देंगे। अगर कोई पशु मर गया है, गाय बैल भैंस, तो उसके 20,000 रुपया दिए जाएंगे। बकरा बकरी मरी है तो 3,000 रुपया, और मुर्गा मुर्गी मरे हैं तो 60 रुपया। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नुकसान हुआ, मजदूर का मकान बनवाएंगे, घर में जो नुकसान हुआ है उसका पैसा देंगे। अभी एक मुश्त 50 किलो अनाज, आधा क्विंटल अभी दिया जाएगा,
दो चार दिन में सर्वे करके जिनके घर पूरी तरह से सबका कार्ड शिवराज सिंह चौहान जिनके घर जिनके घर डूबे उनका कार्ड होता है नहीं, वो आधा कुंटल दे नहीं है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी, यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।